कोविड-19 कैसे फैलता है और संक्रमित होने से कैसे बचा जाए। उपन्यास कोरोना वायरस या SARS-CoV-2, जिसके परिणाम स्वरूप कोविड-19 रोग होता है, संभवतः वुहान में वायरोलॉजी प्रयोगशाला से बच जाता है, क्योंकि जीवित चमगादड़ वुहान के बाजारों में नहीं बेचे जाते हैं। और निश्चित रूप से घोड़े की नाल के चमगादड़ नहीं है जो सार्स वायरस ले जाते हैं, जो गुफाओं में रहते हैं 1,000 किलोमीटर दूर दक्षिणी चीन में। यह वीडियो लोगों को यह समझने में मदद करने के लिए बनाया गया है कि नोवेल कोरोना वायरस कैसे फैलता है और वे अपनी और अपने प्रियजनों की सबसे अच्छी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। यह उपन्यास कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी कोविड-19 से निपटने वाले चिकित्सा कर्मचारियों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। यह वुहान में स्थापित किया गया था कि वायरस मानव से मानव में फैल सकता है, लेकिन उस समय लोगों को यह नहीं पता था कि बहुत से लोगों में कोई लक्षण नहीं थे और वे अभी भी दूसरों को संक्रमित करने में सक्षम थे। यही कारण है कि इसने चीन को गंभीर कार्रवाई में आगे बढ़ने के लिए महीने या उससे अधिक, और चीन गंभीर कार्रवाई में आगे बढ़ा जब वुहान में जो हो रहा था उसके बारे में सार्वजनिक किया गया, तो लोगों ने चीन से घर लौटने के लिए या सिर्फ चीन और वुहान से बचने के लिए विमानों में चढ़ना शुरू कर दिया, और उन्होंने दुनिया भर में वायरस को दुनिया के लगभग हर कोने में पहुंचा दिया। हवाई अड्डों पर उनके शरीर के तापमान को स्कैन करने के लिए कौन बीमार था, यह पहचानने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एकमात्र साधन के बारे में था, जिसे अब हम पूरी तरह से अप्रभावी जानते हैं, क्योंकि कोविड-19 से संक्रमित लोगों में से आधे से अधिक स्पर्शोन्मुख या पूर्व लक्षण थे। वायरस शुरू में हवाई परिवहन द्वारा यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फैल गया। इटली, स्पेन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम लगभग 40% की परिणाम मृत्यु दर के साथ शुरू में सबसे कठिन हिट थे। उनका अस्पताल अभिभूत हो गया और इन देशों में बुजुर्ग आबादी को सूली पर चढ़ा दिया गया। यह भी स्पष्ट था कि वायरस के प्रसार में वृद्धि घातीय बिना किसी हस्तक्षेप के थी और हर 5 दिनों में दोहरीकरण हो रहा था। इसका मतलब यह था कि कुछ ही समय में अस्पताल भारी पड़ सकते थे, और अगर किसी के पास 1 सप्ताह में मामले से निपटने की क्षमता हो तो उन्हें अगले सप्ताह में 2 बार और फिर सप्ताह के बाद 2 बार अस्पतालों की आवश्यकता होगी। इस अत्यधिक संक्रामक वायरस से निपटने का एक ही तरीका था कि लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने से रोका जाए और लोगों को यात्रा करने से रोका जाए। चीन में कोरोना वायरस के शुरुआती असर से निपटने के लिए चीन ने महज 1 हफ्ते में 2 बड़े अस्पताल बनाए, हजारों अतिरिक्त मरीजों के लिए अनुमति। अफसोस की बात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत कम प्रारंभिक कार्रवाई की, यह कहते हुए कि यह एक सामान्य फ्लू से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि वह यूएसए की अर्थव्यवस्था को बंद नहीं करना चाहते थे। यह वायरस अमेरिका में गहराई तक फैल गया। चीन द्वारा की गई कार्रवाई से यह तुरंत स्पष्ट हो गया कि इस संक्रामक वायरस से निपटने का एकमात्र तरीका यही था, यानी मानव संपर्क को खत्म करना और जितना हो सके यात्रा करना। चीन ने शुरू किया जिसे लॉकडाउन और सीमा नियंत्रण के रूप में जाना जाने लगा।
गंभीर महामारी विज्ञानियों ने माना कि यह एकमात्र रास्ता था, लेकिन यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन ने तथाकथित झुंड प्रतिरक्षा के लिए जाने की कोशिश की। हर्ड इम्यूनिटी तब होती है जब पर्याप्त लोग संक्रमित हो जाते हैं। वायरस के पास इसे गति देने वाला कोई नहीं होता है। जब यह स्पष्ट हो गया कि उनकी चिकित्सा प्रणाली अभिभूत हो रही है, तो यूके ने जल्दी से अपने पाठ्यक्रम को चार्ज कर लिया। यूके द्वारा प्रारंभिक देरी ने यूके के लिए दुनिया में प्रति व्यक्ति मृत्यु दर सबसे अधिक होने का मार्ग प्रशस्त किया। इस वायरस के फैलने का पहला तरीका इंसानों के बीच वायरल लोड का सीधा आदान प्रदान है। यह बूंदों के माध्यम से हो सकता है। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति किसी और के पास खांसता या छींकता है तो वे वायरस संचारित कर सकते हैं। यही कारण है कि अधिकांश देशों ने सुझाव दिया कि हम दूसरों से 1.5 या 2 मीटर दूर रहें। शुरू में यह सुझाव दिया गया था कि केवल संक्रमित लोगों को ही मास्क पहनने की जरूरत है, लेकिन बाद में यह बदल गया, जैसा कि हम नीचे देखेंगे। इससे सोशल डिस्टेंसिंग की धारणा बन गई। यदि लोग एक दूसरे से काफी दूर हैं, तो वे एक दूसरे को संक्रमित नहीं करेंगे। साथ ही, अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के हाथ में वायरस है, तो हाथ मिलाने से भी वायरस फैल सकता है। यही कारण है कि लोगों को अधिक से अधिक बार हाथ धोने या हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हाथ मिलाने के नए रूपों का आविष्कार किया गया, जैसे वुहान शू टैप और एल्बो टैप। कोरोना वायरस के बारे में दूसरी बात यह है कि इसे अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए मुंह, नाक या आंखों के माध्यम से ऐसा करना होगा। यह एक और कारण था कि जो लोग बीमार नहीं थे, उन्हें भी हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित किया गया और कहा गया कि वे अपने चेहरे को छूने से बचें। यह कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग 1 घंटे में लगभग 15 बार अपना चेहरा छूते हैं। वायरस को फैलाने का अगला तरीका छूत को सतह पर छोड़कर अप्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से है। वैज्ञानिकों ने पाया कि वायरस विभिन्न सतहों पर लंबे समय तक जीवित रह सकता है। यह कार्डबोर्ड पर 24 घंटे, हवा में 3 घंटे, तांबे पर 4 घंटे, प्लास्टिक पर 2-3 दिनों तक गैर छिद्रपूर्ण सतहों, डोर नॉब्स, एलिवेटर बटन और लाइट स्विच आदि पर 4 दिनों तक जीवित रह सकता है। कांच पर 9 दिनों के लिए। इसका मतलब था कि लोग अप्रत्यक्ष संपर्क से भी वायरस को अनुबंधित कर सकते हैं। इससे निपटने के लिए नियमित रूप से हाथ धोना एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लोगों से कहा गया कि वे 20 सेकंड तक हाथ धोएं या फिर 2 बार हैप्पी बर्थडे गाएं। सतहों की सफाई भी महत्वपूर्ण हो गई। अब इसका मतलब था कि लोगों को सावधान रहना होगा कि वे क्या छूते हैं। इसका मतलब था कि उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि वे अपने चेहरे को भी न छुएं। एक औसत व्यक्ति के साथ 1 घंटे में लगभग 15 बार अपना चेहरा छूना एक बहुत बड़ी चिंता थी। चाहे उन्होंने कुछ भी छुआ हो, उन्हें सबसे अधिक सावधान रहना था कि पहले अपने हाथ धोए बिना अपने चेहरे को न छुएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायरस आपके फेफड़ों में प्रवेश करना चाहता है और मुंह, नाक और आंखें कुछ हद तक इसके मुख्य प्रवेश बिंदु हैं।
लेकिन अब चिंता की बात और भी थी, क्योंकि खरीदारी के बाद अपनी किराने का सामान पहुंचने की भी जरूरत थी, और शायद बाहर जाने के बाद अपने कपड़े भी बदल ले, क्योंकि वायरस खुद को किसी के कपड़ों से जोड़ सकता है। यह वायरस से संक्रमित होने से रोकने के लिए कुछ अजीब और पागल परिधानों की ओर ले जाता है। लोगों ने अपने हाथों और सतहों को साफ करने के लिए सैनिटाइजर का उपयोग करना शुरू कर दिया। काम करने के लिए सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा कम से कम 70% होनी चाहिए। कुछ लोगों ने घर आने पर अपनी किराने का सामान साफ के लिए ब्लीच का इस्तेमाल किया। सब कुछ पहुंच दिया। यह साबुन के साथ एक कमजोर समाधान निकलता है जो वायरस के फैटी झिल्ली को तोड़ देता है, और शायद यह सबसे सस्ता और उपयोग करने के लिए सबसे सुरक्षित है। अधिकांश देश कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग कर रहे थे, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी था, इससे भी बदतर। तथ्य यह है कि वायरस हवा में था, इसका मतलब था कि जो लोग बीमार नहीं थे उन्हें भी मास्क पहनना चाहिए। इतना ही नहीं, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि वायरस न केवल हवाई था, बल्कि तापमान, आर्द्रता और वेंटिलेशन के आधार पर हवा में 20 मिनट से 4 घंटे तक कहीं भी एक एरोसोल के रूप में रह सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सभी को मास्क पहनना पड़ा और घर के अंदर अचानक से असुरक्षित स्थान बन गए थे। इसका मतलब था कि कैफे, रेस्तरां, जिम, स्कूल, कार्यालय, लिफ्ट आदि जैसी जगहें अब सुरक्षित नहीं थी। बसों और ट्रेनों की तरह परिवहन भी असुरक्षित था, लेकिन लोग मास्क पहनकर अपने जोखिम को कम कर सकते थे। रेस्तरां, कैफे और यहां तक स्कूलों में भी मास्क पहनना मुश्किल है। मास्क जरूरी हो गया ताकि लोग वायरल एरोसोल में सांस न लें। पूरी दुनिया में लॉकडाउन के विरोध और ब्लैक लाइव्स मैटर के तमाम विरोधों के बाद भी संक्रमित लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। इसने सुझाव दिया कि वायरस के प्रसार का मुख्य रूप एरोसोल के साथ इंडोर घटनाओं के माध्यम से था। वास्तव में अगर हम इतिहास को देखें तो सबसे अधिक संक्रामक घटनाएं चर्च के रेस्तरां और कार्यालयों जैसे इंडोर आयोजनों में हुई। ओहियो में एक चर्च सभा से संक्रमण का एक समूह था। मार्च 2020 में वाशिंगटन के स्कैगिट काउंटी में एक गाना बजाने वालों में 87% लोग संक्रमित हुए। एक अन्य प्रयोग में साधुओं को ले जाने वाली दो बसें, एक बस में कोई संक्रमित नहीं हुआ, जबकि दूसरी बस में 23 यात्री बिना लक्षण वाले व्यक्ति से संक्रमित हुए। एक रेस्टोरेंट में सुपर स्प्रेडिंग हुई है। एक संक्रमित व्यक्ति था, उन्होंने एयर कंडीशनर के प्रवाह की दिशा से लोगों को अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में संक्रमित किया। ध्यान रहे कि अब एक अन्य अध्ययन से यह पता चला है कि एयर कंडीशनर द्वारा साझा कमरों के बीच भी वायरस प्रसारित किया जा सकता है। जुलाई 2020 के मध्य तक भी विश्व स्वास्थ्य संगठन वैज्ञानिकों को यह मानने में विफल रहा कि कोविड-19 के प्रसार में एरोसोल का प्रसार महत्वपूर्ण कारक था। काफी समय तक वैज्ञानिक समुदाय ने एक व्यक्ति को एक संभावित सुपर स्प्रेडर के रूप में संदर्भित किया। यह सोचा गया था कि कुछ लोगों ने एक बड़ा वायरल लोड किया और कई लोगों को संक्रमित कर सकता है, लेकिन अब यह सोच में बदल दिया जा रहा है कि सुपर स्प्रेडिंग घर के अंदर होता है।
डॉक्टर जॉर्ज क्रिस्टोस ने कहा, मेरी परिकल्पना यह है कि एरोसोल के साथ घर के अंदर सुपर स्प्रेडिंग कैसे होती है। कोई पौराणिक सुपर स्प्रेडिंग व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब है कि बार, कार्यालयों, स्कूलों, रेस्तरां, लिफ्टों आदि के अंदर आपको मास्क अप करने की आवश्यकता है। COVID-19 इंडो एरोसोल 20 मिनट से 4 घंटे तक एक कमरे में तैरता है, यानी जब सभी को मास्क पहनना चाहिए। यह मत भूलो कि 50% से अधिक संक्रमण स्पर्शोन्मुख से आते हैं और उन्हें एरोसोल छोड़ने के लिए खांसी नहीं होती है। बस बात करो एक स्पर्शोन्मुख व्यक्ति द्वारा बस में फैलाना लगभग निश्चित रूप से उसकी परिकल्पना को साबित करता है। ऐसा लगता है कि एरोसोल के साथ घर के अंदर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब यह है कि स्कूल, ऑफिस के रेस्तरां, लिफ्ट आदि बिना मास्क पहने बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, और कुछ मामलों में मास्क पहनना भी संभव नहीं है, विशेष रूप से घर के अंदर। भीड़ भाड़ वाले घरों से बचना चाहिए, जहां लोग एक दूसरे के बहुत करीब हों, वेंटिलेशन खराब हो, वहां बिताया गया समय बहुत लंबा हो, लोग मास्क नहीं पहने हों और गाना गा रहे हों या जोर जोर से बोल रहे हों। और इससे भी बदतर यह है कि स्पर्शोन्मुख लोग अपने मुंह से एरोसोल वायरस को केवल बात करने से छोड़ सकते हैं। हाँ, बस बात करने से। यह भी बड़ी चिंता की बात है कि कई स्वास्थ्यकर्मी इस वायरस से संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के हवाई मार्ग में वायरस को प्रवेश करने से रोकने के लिए मास्क और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE को वायुरोधी और सुरक्षित होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया में, जिसमें हाल ही में संक्रमण की दूसरी लहर थी, 21 अगस्त 2020 तक 2563 स्वास्थ्य कर्मियों ने COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। यह राज्य के 17683 मामलों में से लगभग 14% का प्रतिनिधित्व करता है। अधिकांश संक्रमित थे क्योंकि उनके मास्क ठीक से फिट नहीं थे या उनके PPE में गैप थे। हाल ही में यह भी स्पष्ट हो गया है कि आउटलेट वेंट्स वाले मास्क संभावित रूप से असुरक्षित हैं, क्योंकि वे हवा के माध्यम से वायरस को फैलाने में मदद करते हैं, खासकर अगर एक संक्रमित व्यक्ति ने एक पहना है जो स्पर्शोन्मुख भी हो सकता है। यह भी पता चला है कि जब वे अपने कपड़े बदलते हैं तो स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता भी संक्रमित हो सकते हैं। तो PPE के उनके कपड़ों से जुड़े वायरस के कण हवा में छोड़े जा सकते हैं और एरोसोल की तरह घंटों तक तैर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अब तक अगस्त 2020 के अंत तक 1100 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। इस वायरस से निपटने में अन्य मुख्य समस्याओं में से एक यह है कि वायरस के बारे में बहुत गलत जानकारी है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक फ्लू है, कि यह एक धोखा है या एक साजिश है जो नए 5G नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है, या दुनिया के अमीर और शक्तिशाली द्वारा गरीबों को गुलाम बनाने और संभावित रूप से उन्हें एक वैक्सीन के साथ चिन्हित करने या एक नैनो डालने के लिए आयोजित किया जाता है।